हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। प्यारे रसगुल्लो और मेरे शेर और शेरनी हो, आज के इस वीडियोज़ में मैं आप सबको प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति क्लास 10th के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5, 6, 7 और 8 का इस वीडियो में सोल्यूशन करने वाला हूँ। ना अगर आपने अभी तक वीडियो को ना देखा हो, पीछे का 1 से 4 तक का सोल्यूशन है तो उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका 5 क्वेश्चंस क्या कहता है और इसे कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। लिखा है कि यदि सेक थीटा जो है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, एक का दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू लिखा है आपका 13/12। तो सेक का बेसिक फॉर्मूला जिनको भी याद होगा उन्हें मालूम होगा कि फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार, है ना, ये सेक का बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद आपको लिख लेना है, इसलिए कर्ण के इक्वल मिल जाएगा आपका 13 और आधार कितना मिल जाएगा 12। तो कर्ण और आधार निकल गया, सब भुजा मालूम होना चाहिए, लंब नहीं मालूम है तो यहाँ से आप सूत्र लगा लीजिए। लंब इक्वल टू होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र होता है लंब निकालने का। तो आप इसमें मान भर दीजिए, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार हो गया 12 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, आप जानते होंगे, तो 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो इसको जब आप घटाएंगे तो 169 में से 144 घटेगा तो मिलेगा 25, इसलिए आपका कर्ण जो हो जाएगा ना आ जाएगा 5 आ गया। अब आपको सेक का तो हो गया, अब सब निकालना है। ये कर्ण हो गया है और ये कर्ण आधार हो गया है ना, ये सॉरी कर्ण नहीं है, यहाँ लंब हो जाएगा, लंब कितना हो गया 5। ओके, अब अन्य निकालना है तो अब सबको निकालिए एक एक को। साइन थीटा क्या होता है सूत्र? लंब बटा कर्ण। अब आपको सबको मैं लिख लेता हूँ। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। सबको निकालना है, इसको छोड़ के, सेक को छोड़ के सारा का निकाल लेना है। आधार बटा कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, पांचों का निकालना है हमें, और एक बच गया है कोसेक थीटा, एक दिया है 6 को सब टोटल होता है तो कर्ण बटा लंब। अब इसमें आपको मान पुट कर देना है, तो साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, तो लंब देख लीजिए आप लोगों ने बनाया 5 और कर्ण आया है 13, तो हो गया 5/13, ये एक आंसर हो गया। कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण, तो आधार देख सकते हैं 12 और कर्ण है 13, तो 12/13 ये हो गया आंसर। टेन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 5, आधार हो गया 12, तो इसका हो गया आपका 5/12 आंसर, ठीक है। अब है कॉट थीटा आधार बटा लंब, तो इसी का उल्टा आप कर दीजिए डायरेक्ट, उधर क्या देखना है, तो 12/5। और कर्ण बटा लंब कोसेक होता है, तो कर्ण बटा लंब इसका उल्टा यानी 13/5। तो ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, इस तरह से आपको बना देना है। तो ये आपका 5 का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से रूबरू कराता हूँ। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में आया है, तो आपको डरना नहीं है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। लिखा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है देख लीजिए, सिद्ध करो कि कोण ए बराबर कोण बी, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि कोण ए और कोण बी बनाना है ना। इसका ए और बी न्यून कोण है, हमको ए और बी मालूम है न्यून कोण है, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। तो देखिए बनाएंगे कैसे, सोल्यूशन देखिए, हमको सिद्ध करके लाना है, प्रूफ करना है, उसको फिर से मैं दिखा देता हूँ। आपको करना है कोण ए इक्वल टू कोण बी, ये स्टार क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बहुत बार आया है, ध्यान से देखिएगा। तो एक सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए ताकि आपका गलत ना हो, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया, ए और बी न्यून है तो यहाँ और यहाँ बी होगा और सी आपका यहाँ पे होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दिया क्या है, दिया है कि, ध्यान से देखिएगा, दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, है ना, तो कॉस ए बराबर कॉस बी मैं लिख लिया। तो देखिए कॉस, ये इसका फॉर्मूला मैं इधर साइड में बता देता हूँ कि कॉस थीटा होता क्या है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ये बेसिक सूत्र हो गया। तो जब आप आएंगे यहाँ पे कॉस ए एंगल में इसको बात कर रहा है, तो आपका आधार हो जाएगा ए सी,
ठीक है, और कर्ण तिरछा वाली भुजा होता है तो ये हो जाएगा आपका ए बी कॉस बी। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे आधार, तो आधार आपका हो जाएगा बी सी और कर्ण होता है तो ए बी। तो ये देखिए बराबर की दूरी रेखीय साइन में कटता है, ए बी कट गया, तो ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो गई बराबर। तो एक सूत्र होता है कि समान भुजा के सामने का कोण जो होता है ना, सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है, समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, ये होता है सूत्र। तो इसलिए दोस्तों इधर मैं बना देता हूँ, इसके बाद आप लोग इधर देखिएगा, इसलिए AC ये है ना, तो इसके सामने आप लोग गौर से देखिए कौन से कोण है, कोण B, और ये क्या लिखा हुआ है BC, तो BC ये भुजा है, इसके सामने कौन सा कोण है कोण A, यही हमें प्रूफ भी करना था। आप देख सकते हैं प्रूफ में लिखे कोण A बराबर कोण B, तो आप लिख सकते हैं इसलिए कोण A बराबर कोण B, ये जो हुआ आपका प्रूफ हुआ। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपसे ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अब आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से रूबरू कराता हूँ, देखिए ये आपका 7 क्वेश्चन हो गया। कॉट थीटा बराबर लिखा है 7/8, तो आपको पहला निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और एक लाइन लाना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, दो मान निकालना है, कॉट थीटा का दिया है। तो देखिए आपको मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ ना सोल्यूशन, यहाँ से आप लंब आधार करके कर्ण निकाल के भी बना सकते हैं और बिना निकाले भी बना सकते हैं। तो आइए मैं बिना निकाले बताता हूँ, पहला यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है और भाग में है इसके 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ये है। तो इसके आगे देखिए क्या होगा, ये आपके सूत्र है a + b × a - b, जिसका सूत्र होता है a² - b² और नीचे भी वही है, तो 1 का स्क्वायर - cos² ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 - sin² θ और नीचे हो जाएगा 1 - cos² θ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है ना। अब 1 - sin² बराबर आपका सूत्र होता है cos² θ, लिख लिया, और 1 - cos² बराबर होता है sin² θ। जिसको नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ, देखिए ये सूत्र है 1 - sin² जहाँ भी हो उसको आप cos² लिख सकते हैं, और 1 - cos² जहाँ हो तो आप उसको sin² लिख सकते हैं। ये दो सूत्र है, वही इस्तेमाल कर दिया, 1 - sin² था तो cos² और 1 - cos² को sin². अब आपको एक cos/sin होता है cot²θ, ठीक है, ये सूत्र है आपको पढ़े होंगे, cos θ / sin θ क्या होता है cot θ। तो ये cot का मान कितना है, तो cot का जो मान होता है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो 49/64 ये आपका आंसर हुआ पहले का बिना मान निकाले। और अब देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल, तो दूसरा क्या लिखा है cot²θ, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में मान दिया है ना cot θ का कितना 7/8, बस इसको भर दीजिए स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर का मतलब दो बार गुना, तो 7/8 × 7/8 तो कितना हो जाएगा 49/64, ये दूसरे का भी आंसर हो गया, ठीक है प्यारे रसगुल्लो, समझ में आ गया सातवा। तो आइए मैं आपको 8 क्वेश्चन से बताता हूँ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन से 8, देख लीजिए लिखा है यदि cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a या 1 + tan² a बराबर cos² a - sin² है या नहीं। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करके दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे 8 क्वेश्चन को, ठीक है। 3 cot A = 4 लिखा है ना, 3 cot A = 4, तो आप इसको लिख सकते हैं cot A = 4/3, cot का सूत्र होता है आधार बटा में लंब, ठीक है ना, तो इसलिए आपका जो आधार होगा कितना हो जाएगा, आधार = 4 हो जाएगा, ऊपर वाला से ऊपर वाला बराबर, ठीक है, और लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर 3 नीचे वाला से। अब एक चीज़ नहीं दिया है कर्ण, तो चूंकि कर्ण का सूत्र होता है वो लगा के निकाल लीजिए, अंडर रूट लंब का स्क्वायर
अब प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब जो है आपका तीन है, तो तीन का स्क्वायर और आधार चार है, चार का स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर नौ होता है और चार का स्क्वायर सोलह, सोलह और नौ मिल के होता है पच्चीस, और पच्चीस का वर्गमूल आपका हो जाएगा पाँच। ठीक है, ये पाँच जो है आपका क्या आ गया, कर्ण है। तो कर्ण भी मालूम, आधार भी मालूम, लंब भी मालूम। अब देखिए इसमें क्या करना है, जांच करना है ना कि वह, अब देखिए ये चीज़ क्वेश्चन से, वन माइनस टेन स्क्वायर है बटा में वन प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है कि नहीं। तो सबसे पहले एल एच एस को बनाते हैं, तो एल एच एस में लिखा है आपका वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में वन प्लस टेन स्क्वायर है, लिखा है ना प्यारे रसगुल्लो। अब इसी को सोल्यूशन करना है, देखिए गौर से, तो वन माइनस टेन का सूत्र होता है लंब, लंब लिख दिए, आधार का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वन प्लस फिर यही चीज लंब और आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़िए, वन माइनस लंब, लंब का मान देख सकते हैं आपका चार है, लंब का मान क्या है तीन है, तीन, तो तीन हो गया, और आधार का मान क्या है चार, तो तीन बटा चार का स्क्वायर, नीचे भी वही चीज है, तो वन प्लस तीन बटा चार का स्क्वायर, तो वन माइनस तीन का स्क्वायर नौ और ये चार का स्क्वायर सोलह, नीचे भी वन प्लस नौ बटा सोलह, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, लघुत्तम लीजिएगा, तो सोलह एकम सोलह माइनस नौ और बटा में सात, और इसका भी हो जाएगा सोलह प्लस नौ और बटा में सात, सात सात कैंसिल आउट। तो आगे एल एच एस जो आ गया आपका, सोलह में से नौ घटेगा सात और सोलह नौ जुटेगा तो पच्चीस, सात बटा पच्चीस। अब आरचेस, आरचेस देखिए क्या लिखा है, तो आरचेस को आप दिखाते हैं, लिखा है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आगे आप इसको लिख सकते हैं, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब बढ़िए आधार देख सकते हैं, तो आधार को आपको दिखा देते हैं, आधार चार बा और कर्ण कितना बा पाँच, तो चार बटा पाँच का स्क्वायर, लंब है तीन बटा पाँच का स्क्वायर, आपको लंब दिखा देते हैं, देख सकते हैं आपको लंब है तीन और कर्ण है पाँच, तीन बटा पाँच, तो चार का स्क्वायर दोस्तों सोलह और पाँच का स्क्वायर पच्चीस, नौ बटा पच्चीस। जब बेस बराबर हो तो डायरेक्टे घटा सकते हैं, तो आर एच एस भी आ गया आपका सोलह में से नौ के सात बटा पच्चीस। अब देखिए एल एच एस भी सात बटा पच्चीस, आर एच एस भी सात बटा पच्चीस, तो पूछा है क्या बराबर है या नहीं, तो आप लिखिएगा हाँ बराबर है, ठीक है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैंने आज की इस वीडियोस में आपको प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति क्लास टेंथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 का सोल्यूशन किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे दोस्त फ्रेंड्स और मित्र में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसे वीडियो को देखकर अपने तैयारियों को मुकम्मल कर सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।